नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन में पैसा कैसे जमा किया जाता है, अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा कैसे जमा किया जाता है। इस वीडियो में पैसा जमा करके दिखाएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेस हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी या इंग्लिश, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कार्डलेस डिपॉजिट पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपने कार्ड को, जो एटीएम कार्ड होगा, उसको इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट होगा, सेविंग या करेंट, उस पर क्लिक कर लेंगे। मेरा सेविंग है तो सेविंग पर क्लिक कर देगा। फिर उसके बाद अपना एटीएम पिन जो भी होगा उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये बॉक्स ओपन हो गया, उसमें जो भी आपको पैसा जमा करना है उसको इसमें डाल देंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब मैं फिर भी एक बार और बता दूँ आपको, आपके पास सिर्फ 100, 200, 500 और 2000 की नोट एक्सेप्ट होंगे। अगर आप 10, 20, 50 के डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान देना होगा कि अभी जब भी पैसा जमा करने जाएँ 100, 200, 500 और 2000 की ही नोट हो, ठीक है। देखिए हमारा अभी कुछ डैमेज नोट था इसलिए बाहर निकल गया। देखिए ऐड कैश का बोल रहा है और कंफर्म को लेकर, तो मुझे ऐड कैश नहीं करना है, मुझे इतना ही पैसा जमा कर, तो मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म पे जैसे क्लिक होता हो जाता है आपको एक स्लिप मिल जाएगा। बहुत ही आसान है गाइस, नॉर्मली ऐसे ही पैसा जमा हो जाता है, लगभग सारे एटीएम में ऐसे ही पैसा जमा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।